जय हिंद, नमस्कार, वेरी गुड नून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन बेंचर्स। कैसे हो बच्चों आप सब लोग? प्लीज रिप्लाई टू मी, प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी। जितने बच्चे लाइव हैं सेशन पे, प्लीज एक बार सभी लोग मुझे रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें, और साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके आप लोग सेशन से कनेक्ट हो जाओ, और साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो आप लोग सेशन को प्लीज 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 अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी बच्चे प्लीज डू ज्वाइन द सेशन ASAP, फटाफट सभी लोग सेशन को ज्वाइन करें, सेशन के साथ जुड़ जाएं, ताकि आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को, आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को मैं आपके साथ स्टार्ट कर सकूं। श्री तिवारी जी, वेरी गुड नून, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। सो दोज पीपल हु आर लाइव ऑन द सेशन, लाइव ऑन द क्लास, सभी लोग प्लीज 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 एक बार सेशन को शेयर कर दो और सेशन को प्रमोट कर दो। चलिए, तो आज का जो स्टैटिक GK है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ बुक्स एंड ऑथर्स को, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है आपके एग्जाम में। नरेश शर्मा जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास। वी हैव पुष्पेंद्र जी, हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। कैसे हो आप सब? एक बार जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ, सभी लोग सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो। चलो तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन ये रखा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिनेमा थ्रू रास, अ ट्विस्ट विद मास्टरपीसेस इन द लाइट ऑफ रस सिद्धांत। सिनेमा थ्रू रस, रस सिद्धांत एक कॉन्सेप्ट है। मनीषा राजपूत, जय हिंद एंड वेलकम टू द क्लास। तो ये जो बुक है सिनेमा थ्रू रस, अ ट्विस्ट विद द मास्टरपीसेस इन द लाइट ऑफ रस सिद्धांत, इसके ऑथर कौन है, ठीक है ना। ये क्लास डेली होती है दोपहर 1 बजे। पहला ऑप्शन है शशि थरूर, दूसरा ऑप्शन है प्रचंड प्रवीर, तीसरा ऑप्शन है अनीता देसाई, और फोर्थ ऑप्शन है अरविंद अडिगा। मैं बता दूं आपको, इसमें अनीता देसाई और अरविंद अडिगा ऑलरेडी बुकर प्राइज जीत चुके हैं, ठीक है ना। अरविंद अडिगा ने द व्हाइट टाइगर के लिए और अनीता देसाई ने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। इसको आपको ध्यान रखना है। यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है सिनेमा थ्रू रास, इसके जो ऑथर है वो कौन है? प्रचंड प्रवीर साहब है, इसको ध्यान रखना है। तो प्रचंड प्रवीर साहब ने इस बुक के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की है कि थिएटर और फिल्म्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इस बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि जो ड्रामा होती है ये लोगों को एक साथ जोड़ती है, उनको करेज देती है, उनको एंटरटेन करते हैं, साथ ही साथ कभी कभी लाइफ में आप बहुत सारी चीजों को फिल्मों के थ्रू सीखते भी हो। तो फिल्म जो है, सिनेमा जो है, ये आपके लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, आपके जीवन की शैली को, आपके वे ऑफ लाइफ को भी वो डिफाइन करती है। इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है प्रचंड प्रवीर की पुस्तक सिनेमा थ्रू रस में या रास में। अगला सवाल ये है, द वाइस प्रेसिडेंट हैज रिसेंटली रिलीज द बुक नीली मारनी, माई मदर माई हीरो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। ये पूछा गया है कि ये जो बुक है नीली मारनी, माई मदर माई हीरो, माई मदर माई हीरो, इस पुस्तक के रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर अच्युत सामंत, इति सामंत, जगी मंगत मंगत पांडा या सुब्रतो बागची, ये चार ऑथर्स के नाम दिए गए हैं। और पूछा गया है कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने एक पुस्तक विमोचन किया है नीलमरनी, माई मदर माई हीरो, ठीक है ना। ये पूछा गया है कि ये सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं बता दूं आपको, स्टैटिक GK से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार रहते ही रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर अच्युत सामंत, ए इज द आंसर फॉर दिस। तो नीली मारनी ये मदर है डॉक्टर अच्युत सामंत की, ठीक है ना, जो कि एक आम ह्यूमन बीइंग थी, लेकिन उनके कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ड्रीम्स थे, ठीक है ना, और उनके इसी सपनों ने डॉक्टर अच्युत सामंत को आगे बढ़ने में प्रेरणा दी, और उन्होंने अपने मदर के लाइफ से अपने लाइफ के स्ट्रगल को जोड़ा है, जिसको इस बुक में उन्होंने दर्शाने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट बुक ये है कि द बुक अख्तरी, द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर, हैज बीन पब्लिश्ड टू ट्रिब्यूट द लेजेंडरी सिंगर विद सिंगिंग कम्युनिटी डिड सी बिलोंग टू। एक किताब है, पुस्तक है अख्तरी, द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। बेगम अख्तर अपने आप में एक बहुत बड़ी सिंगर थी। तो ये जो पुस्तक का प्रकाशन किया गया है वो एक तरह से श्रद्धांजलि है इस महान गायिका को। अब ये सवाल पूछा गया है आपसे कि जो बेगम अख्तर थी ये किस संगीत घराने से संबंध रखती थी, डेरावली, लखनवी, तवायफ या नन ऑफ दीज। हेलो कामनी, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्विकली ज्वाइन द सेशन एंड ऑल्सो शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है। तो ये जो पुस्तक है अख्तरी, जो कि बेस्ड है
जीवन और संगीत ऑफ बेगम अख्तर के ऊपर, इसके रचयिता कौन है ये पूछा गया है, सॉरी इसकी ये किस समुदाय से बिलोंग करती है, तो आप ध्यान रखना तवायफ कम्युनिटी से, इसको ध्यान रखना है। उदयन मित्रा जो कि जिन्होंने जो पब्लिशर हैं हार्पर कॉलिंस इंडिया के, इन्होंने इस पुस्तक को छापा है, ठीक है ना, और ये एक अल्टीमेट ट्रिब्यूट है बेगम अख्तर को, ठीक है ना, जिसमें उनके जीवन के बारे में, उनके संगीत के बारे में उनको याद किया गया है, उनको ट्रिब्यूट दी गई है। अख्तर बाई फैजाबादी या बेगम अख्तर, यानी कि बेगम अख्तर का जो रियल नेम था वो क्या था, अख्तरी बाई फैजाबादी, ये ध्यान रखना है। अख्तरी बाई फैजाबादी जो कि संगीत की दुनिया में बेगम अख्तर के नाम से जानी जाती थी, ये एक लेजेंड थी, और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने बेहतर से बेहतर म्यूजिक को प्रेजेंट किया, और ये जिस घराने से बिलोंग करती थी संगीत के, उसका नाम था तवायफ घराना, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये है कि हु हैज ऑथर्ड द बुक ओडिशा इतिहास, ये जो ओडिशा इतिहास नामक पुस्तक है इसके रचयिता कौन है, विश्वनाथ दास, नंदनी सतपति, बीरेन मित्रा या फिर हरे कृष्ण मेहताब, ये पूछा गया है आपसे कि हु हैज ऑथर्ड द बुक ओडिशा इतिहास। एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को प्लीज मुझे रिप्लाई करें, और सभी लोग जितने बच्चे लाइव हैं आप लोग प्लीज सेशंस को थोड़ा शेयर किया कीजिए, प्रमोट किया कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होते हैं उतनी एनर्जी बेहतर होती है, ठीक है ना। कल सैटरडे है, कल सुबह 8 बजे मैं आप लोगों के साथ पूरे वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करूंगा, सुबह 8 बजे कल रिवीजन क्लास होगी, इसमें पूरे वीक में जो भी करंट अफेयर्स मैंने कराए हैं वो कराऊंगा, और साथ ही साथ एक 50 क्वेश्चंस का बुके मैं आपके साथ में लेके आऊंगा, उसकी टाइमिंग मैं कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को। तो उड़ीसा इतिहास पूछा गया है ये किसकी पुस्तक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिन्होंने इस बुक को ऑथर किया है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका नाम क्या है, हरे कृष्ण मेहताब, क्या नाम है उनका, हरे कृष्ण मेहताब, बिल्कुल सही है अभी यादव, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं उन्होंने प्रकाशित की थी हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द बुक ओडिशा इतिहास, जिसको लिखा गया है उत्कल केशरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्कल केशरी की उपाधि किसको दी गई थी, तो आप बताओगे हरे कृष्ण मेहताब को, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, आपको ध्यान रखना है उड़ीसा इतिहास का हिंदी में अनुवाद किया गया और उसको उसको रिलीज किया है प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, ठीक है ना। ये जो हरे कृष्ण मेहताब है ये एक नोटेबल फिगर थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और इन्होंने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के रूप में सर्व किया है उड़ीसा को 1946 से लेकर के 1950 तक, और 1956 से लेकर के 1961 तक, यानी कि ये 2 टर्म सीएम रहे हैं उड़ीसा के, ठीक है ना। और साथ ही साथ इन्होंने ये जो पुस्तक है उड़ीसा इतिहास, इसको लिखा था अहमदनगर जेल में, अहमदनगर किला जिसको जेल में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है ना। तो 1942 से लेकर के 1945 तक इनको इम्प्रिजन किया गया था इस अहमदनगर फोर्ट जेल में, जहां पे उन्होंने इस किताब को लिखा है, इसका नाम क्या है, उड़ीसा इतिहास। एम आई क्लियर टू यू ऑल, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपसे पूछी जा रही है कि इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक इंडियाज पावर इलीट क्लास कास्ट एंड अ कल्चरल रिवोल्यूशन, हु हैज ऑथर्ड या पेंड द बुक इंडियाज पावर इलीट क्लास कास्ट एंड अ कल्चरल रिवोल्यूशन, अरविंद अडिगा, संजय बारू, चित्रा बैनर्जी, दिवकरुणी या बोथ ए एंड बी, ये पूछा गया है। इंडियाज पावर इलीट क्लास कास्ट एंड अ कल्चरल रिवोल्यूशन, दिस पर्टिकुलर बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय होम। आपको बता दूं मैं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो मनमोहन सिंह के जो मीडिया एडवाइजर थे वो कौन थे, संजय बारू, और इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है, इसको ध्यान रखना। ही वॉज द मीडिया एडवाइजर टू मनमोहन सिंह। तो संजय बारू has captured the churn brought about by the 2014 general elections, the rise of the BJP and its impact on the social and cultural landscape. इसको ध्यान रखना है। इसमें आपको बताया गया कि 2014 के general election में जिस तरीके से BJP का उदय हुआ और जिस तरीके से उन्होंने एक social और cultural impact डाला Indian democracy पे, उसके बारे में ये book जो है basically narrate की गई है, ठीक है ना। और इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर ये एक बहुत बड़ी किताब है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, एन इंडियन क्रिकेटर हैज रिटन हिज मेमोआर बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, हु इज दैट क्रिकेटर, ये पूछा गया कि एक भारतीय क्रिकेटर के द्वारा उनकी जो आत्मकथा है, जो मेमोआर है, वो लिखा गया है बिलीव
What Life and Cricket Taught Me. The book is Believe, What Life and Cricket Taught Me. तो ये जो which cricketer's memoirs Believe, What Life and Cricket Taught Me. Is it A, Virat Kohli? Is it B, Mahendra Singh Dhoni? Is it C, Suresh Raina? Or is it D, Rohit Sharma? ये जो memoir है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको ध्यान रखना है सुरेश रायना के द्वारा, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ एमएस धोनी, ठीक है ना। तो सुरेश रायना ने लिखा है पुस्तक जिसमें सुरेश रायना ने उन सभी चैलेंजेस को बयां किया है, उस सभी चैलेंजेस को उन्होंने पेन डाउन किया है जो एज अ यंग क्रिकेटर उन्होंने फेस किया, ठीक है ना। कैसे बच्चों ने उनको स्कूल में, स्कूल कैंप्स में उनको स्कोल्ड किया, कैसे उनका मजाक उड़ाया, ठीक है ना, और किस तरीके से उन्होंने इन सभी ऑड्स को ओवरकम करते हुए अपने आप को एक बहुत ही सक्सेसफुल क्रिकेटर के रूप में एस्टैब्लिश किया। ये सारी जो क्रिकेट जर्नी है उसको एक्सप्लेन किया गया है सुरेश रायना के द्वारा। जेके राउलिंग हैज रिसेंटली रिटन अ बुक द क्रिसमस पिग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय द क्रिटिकली अक्लेम्ड राइटर, ठीक है ना। जेके राउलिंग ने हाल ही में एक किताब लिखा है द क्रिसमस पिग, इनमें से कौन सी वो बुक है जिसको कि लिखा नहीं गया है इस प्रसिद्ध लेखिका के द्वारा, फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, द कुकूज कॉलिंग, द इकाबॉग, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन ऑथर्ड बाय जेके रॉलिंग, ये पूछा गया, इनमें से कौन सी पुस्तक जेके रॉलिंग के द्वारा नहीं लिखी गई है। कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये जो बी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होगा, जो किल अ मॉकिंग बर्ड इसको जेके रॉलिंग ने नहीं लिखा है। हैरी पॉटर सीरीज बहुत फेमस है इनकी, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। जेके रॉलिंग इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग द हैरी पॉटर फैंटेसी सीरीज, ठीक है ना, जिसने इनको मल्टीपल अवार्ड्स भी जिताया है और इन्होंने 500 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेची है हैरी पॉटर सीरीज की, ठीक है ना, और ये अपने आप में एक बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज थी पूरे लिटरेरी हिस्ट्री में, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी आप कह सकते हो नॉवेलिस्ट बिलियनेयर थी जिनको की स्थान दिया गया था फोर्ब्स मैगजीन के पावरफुल लिस्ट में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वांडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस, ये जो पुस्तक है वांडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस के राइटर कौन है, पेगी मोहन, रोहिंटन मिस्त्री, फ्रेनी एलेविया या फिर सलमान रश्दी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक Wanderers, Kings, Merchants, The Story of India Through Its Languages. Please go for the reply. Please go for the answer. इसके novelist कौन है ये पूछा गया है आप लोगों से, तो आपको ध्यान रखना है इसके जो author हैं वो कौन है, पेगी मोहन, ये आपको ध्यान रखना है। Wanderers, Kings, Merchants, The Story of India Through Its Languages को लिखा गया है एक बहुत ही सुप्रसिद्ध linguist यानी कि भाषाविद पेगी मोहन के द्वारा, ठीक है ना। ये जो बुक है ये जो दक्षिण एशिया का इतिहास है उसके आसपास घूमती है, जिसमें माइग्रेशन यानी कि स्थानांतरण या जो लोगों का पलायन हुआ था इंडिया से अदर कंट्रीज अदर आइलैंड्स के ऊपर, उसके दर्द को इसमें बयां किया गया है। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे संस्कृत का उदय हुआ, कैसे उर्दू लैंग्वेजेस का फ्लरिशमेंट हुआ, तो ये लिंग्विस्टिक अप्रोच को देखती है, इसको ध्यान रखना है। व्हाट इज द सेंट्रिक थीम ऑफ द रिसेंटली पेंड बुक द लिविंग माउंटेन ऑफ अमिताभ घोष, अमिताभ घोष को भी बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, ये जाने जाते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक द सी ऑफ पॉपीज के लिए, द हंगरी टाइड्स के लिए, ठीक है ना, ये सब काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अमिताभ घोष की, इनको ऑलरेडी बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने एक बुक लिखी है द लिविंग माउंटेन, मैं बता दूं ये जो लिविंग माउंटेन बुक लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा, ये जो लॉकडाउन पीरियड था COVID-19 पैंडेमिक में, उसके समय में उन्होंने इस बुक को लिखा और उन्होंने इस बुक में अपने उस इंट्रोस्पेक्शन को नैरेट किया है कि कैसे लोग हमारे मदरली अर्थ के जो एनवायरमेंट है उसको किस तरीके से एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, इन चीजों के बारे में बेसिकली इसमें लिखा गया है। तो ये जो लिविंग माउंटेन है इसमें बेसिकली इन्होंने क्रिटिसाइज किया है किस चीज को, एनवायरमेंटल एक्सप्लोइटेशन को, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ज्ञानपीठ विनर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर अमिताभ घोष ने एक पुस्तक लिखी है द लिविंग माउंटेन इस महामारी के समय में, ठीक है ना, एंड दिस बुक इज अ स्टोरी अबाउट हाउ ओवर द ईयर्स
ह्यूमंस हैव एक्सप्लॉयटेड नेचर विच इज लीडिंग टू एन एनवायरमेंटल क्राइसिस, कि पिछले कुछ समय से किस प्रकार से मानवों ने हमारे प्रकृति को एक्सप्लॉयट किया है और हमारे आसपास में इन्होंने एनवायरमेंटल क्राइसिस को क्रिएट किया, ठीक है ना। तो आप बता दो कि दिस बुक इज अ स्टोरी ऑफ महापर्वत, द लिविंग माउंटेन एंड इंडिजिनस वैली ड्वेलर्स हु लिव नियर द माउंटेन। इसको ध्यान रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ठीक है ना। द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इज इट थॉमस सी कैट्सोलियस, रॉबर्ट एनी, अनिंदी दत्ता या फिर सुनी तारापुर वाला, ये पूछा गया है। स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, द स्टोरी ऑफ एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये किसकी पुस्तक है, ये आपसे पूछी गई है। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर। तो आप क्या बताओगे, इट्स द सी ऑप्शन, अनिंदी दत्ता। इसको ध्यान रखना है आपको। ये जो बुक है इट प्रोवाइड्स एन एक्सटेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेनिस ऑन बोथ मेंस एंड वुमेन्स साइड, ठीक है ना। जो पुरुष और महिला टेनिस है उसके बृहद इतिहास के बारे में, एक्सटेंसिव हिस्ट्री के बारे में ये बुक जो है वो नैरेट करती है। और इस बुक को लिखा गया है अनिंदी दत्ता के एक डिटेल रिसर्च के द्वारा, जो उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हो गैदर किया है फ्रॉम द आर्काइव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जो भी स्टोरीज थी मेन और वुमेन्स टेनिस के बारे, इंडियन टेनिस के बारे में, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास जो भी डेटा है, उनके इतिहास के पन्नों से, उनके आर्काइव से सभी स्टोरीज को कलेक्ट करके डिटेल स्टडी करते हुए उन्होंने नैरेट किया है इस पर्टिकुलर बुक में द जर्नी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेनिस फॉर बोथ मेंस एज वेल एज द वुमेन्स वर्जन। द डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रियम्फ इज रिटन बाय अनंत विजय। स्मृति ईरानी इज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। सवाल ये पूछा गया है कि डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रियम्फ इज रिटन बाय अनंत विजय। ये जो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रियम्फ है इसको लिखा गया है अनंत विजय के द्वारा, ठीक है ना। तो स्मृति ईरानी के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ से एमपी हैं, रायबरेली से, अमेठी से, मेरठ से या फिर मिर्जापुर से। द डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रियम्फ इज रिटन बाय अनंत विजय। एंड द क्वेश्चन इज कि स्मृति ईरानी इज अ मेंबर, इन्होंने हराया था किसको, राहुल गांधी को, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने आप में बहुत फेमस है इंडिया में। एंड सी इज फ्रॉम विच वन, तो यू विल से अमेठी। कहां से जीती है इन्होंने, अमेठी से। इसको ध्यान रखना है। 2014 में वो इलेक्शन हार गई थी अमेठी उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हराया था, और जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके ऊपर करारा तमाचा लगाया गया था, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। आप सोचो कि 2014 के जनरल इलेक्शंस में राहुल गांधी को 4,08,651 वोट्स मिले थे और स्मृति ईरानी को केवल 30,000 वोट्स मिली थी। और 2019 में इसी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहां से क्या किया, शिकस्त दे दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विच इंडियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द बुक द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भारतीय मिनिस्टर ने लॉन्च की है पुस्तक द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर। द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। अब कोई भी चीज जो ग्रीन से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है वो रिलेटेड किस चीज से होगा, तो आप बताओगे एनवायरमेंट से, ठीक है ना। और अगर कोई भी चीज एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो उस वक्त जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे हमारे वो कौन थे, प्रकाश जावड़ेकर साहब। तो इस बुक को लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा, इसको ध्यान रखना है। एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज लॉन्च्ड एन ई बुक ऑन वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक महिला फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर एक स्टोरी है जिसको कि
नैरेट किया गया है इस पर्टिकुलर बुक में, जिसको लॉन्च किया गया प्रकाश जावड़कर के द्वारा। इसको आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से एक वुमेन ऑफिसर जो कि जिनकी फॉरेस्ट एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट की गई, जो एक उन्होंने किस तरीके से अपने ड्यूटी को परफॉर्म किया है उस फॉरेस्ट लाइफ में रहते हुए, फॉरेस्ट सर्विसेज में, उसकी पूरी जर्नी को नैरेट किया गया इस बुक के अंदर। हु हैज स्पेंड द बुक बांज इन कंप्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, ये पूछा गया है कि एक बुक है बांज जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, तो बांज इन कंप्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन इस पुस्तक को किसने लिखा है? गुनगुन उपरी ने, सुस्मिता मुखर्जी ने, अदिति शर्मा ने, या उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज स्पेंड द बुक बांज इन कंप्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, इन कंप्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन बांज इस पुस्तक को किसने लिखा है, ये पूछा गया है आप लोगों से। तो आप क्या बताओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स द बी ऑप्शन, दैट इज सुस्मिता मुखर्जी। इसको भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। इट्स हैज बीन ऑथर्ड बाय सुस्मिता मुखर्जी, ये ध्यान रखना है आपको। इस बुक में टोटल 11 शॉर्ट स्टोरीज हैं, जो कि एक कलेक्शन है 3 decades का, पिछले 30 सालों का। इसमें एक स्टोरी है, 11 शॉर्ट स्टोरीज में से एक स्टोरी है किसके बारे में? बांज, जो ठीक है ना। बेसिकली द टाइटल सजेस्ट ईच स्टोरी टेक्स यू इनटू द वर्ल्ड ऑफ वुमेन फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, बी इट वुमेन लिविंग ऑन द सोसाइटी फ्रिंजेस और दोज फ्रॉम द हाई एप्लियंस। यानी कि ये जो 11 शॉर्ट स्टोरीज हैं, इन सभी लघु कथाओं में महिलाओं के ऊपर कहानी को नैरेट किया गया है। इसमें हर प्रकार की जो महिलाएं हैं उसको शामिल किया गया है, चाहे वो सोसाइटी के बड़े फैमिली से बिलोंग करती हों, सोसाइटी के नीचे तबके से बिलोंग करती हों। इसमें बेसिकली महिलाओं के कहानियों को, जो हर वॉक्स ऑफ लाइफ से आती हैं, उनको नरेट करने की कोशिश की गई है इस पर्टिकुलर स्टोरी में। हु हैज रिटन द बुक प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, ठीक है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आया है। हु हैज रिटन द बुक प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा? शोभा थरूर श्रीनिवासन, खुशवंत सिंह, शशि थरूर, या रस्किन बॉन्ड? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू कि हु हैज रिटन द बुक प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी, कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। द बुक प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा हैज बीन ऑथर्ड बाय होम? इज इट शोभा थरूर श्रीनिवासन, खुशवंत सिंह, शशि थरूर और रस्किन बॉन्ड? द आंसर विल बी ए ऑप्शन, शोभा थरूर श्रीनिवासन। इसको ध्यान रखना है। द चिल्ड्रंस बुक टाइटल्ड प्रिंस विथ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा हैज बीन रिटन बाय एन ऑथर पोएट शोभा थरूर श्रीनिवासन। और ये जो बुक है, इसका ऑब्जेक्टिव है इंस्पायर करना यंग लीडर्स को टू लर्न अबाउट द फेम्ड आर्टिस्ट एंड हाउ ही मेड हिज एंट्री एंड मार्क इन द आर्ट वर्ल्ड, कि कैसे राजा रवि वर्मा ने, ठीक है ना, बेसिकली जो यंग रीडर्स हैं, आप कह सकते हो जो नए पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिसको कि नैरेट किया गया है। इसको ध्यान रखना है। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर इज अ मेमोआर ऑफ विच इमिनेंट इंडियन पर्सनैलिटी? माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर इज अ मेमोआर ऑफ विच इमिनेंट इंडियन पर्सनैलिटी? ये किस भारतीय पर्सनैलिटी, एक प्रसिद्ध इंडियन पर्सनैलिटी की आत्मकथा है? माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इज इट अजय बांगा, इज इट चंदा कोचर, इज इट इंदिरा नोई, और इज इट किरण मजुमदार सौ? ये पूछा गया। कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन? एंड दोज हु आर लाइव ऑन द सेशन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज डू शेयर द सेशन ईच वन ऑफ यू। आपको ध्यान रखना है, ये मेमो है किसकी? तो आप बताओगे इंदिरा नोई की। इसको ध्यान रखना है। सी इज 65 ईयर ओल्ड फॉर्मर पेप्सिको सीईओ इंदिरा नोई। ये काफी दिनों तक इन्होंने पेप्सिको को हेड किया था,
और इसमें उनकी पूरी लाइफ जर्नी को चाइल्डहुड इन इंडिया से लेकर के और उनका जो एक्सपीरियंस था एज एन इमिग्रेंट एट द येल यूनिवर्सिटीज बिजनेस स्कूल वहां तक के सफर को नैरेट करता है कि बीइंग अ सक्सेसफुल लेडी हाउ सी मैनेज द सोशल लाइफ फैमिली लाइफ एंड द कॉर्पोरेट लाइफ इसको बेसिकली कैसे बैलेंस किया उन्होंने उसकी पूरी कहानी है ये. द रिसेंट नोवेल अंडरटो बाय जानवी बरुआ इज प्लॉटेड इन विच स्टेट. ठीक है ना, हाल ही में एक उपन्यास लिखा गया अंडरटो किसके द्वारा, जानवी बरुआ के द्वारा. इसकी जो पटकथा है वो किस राज्य पे लिखी गई है, असम, बंगाल, पंजाब, केरल, ये पूछा गया है. द रिसेंट नॉवेल अंडरटो बाय जानवी बरुआ इज प्लॉटेड इन विच स्टेट, ये किस राज्य में इसकी स्टोरी को प्लॉट किया गया, ये पूछा गया. तो आपको ध्यान रखना है बरुआ जब ही है तो ये कहां से हो जाएंगी, असम से, इसको ध्यान रखना है. अंडरटो इज अबाउट रिग्रेट एंड रिकॉन्सिलिएशन एंड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कास्ट इज शैडो ओवर जनरेशंस. बेसिकली अंडरटो जो है ये कहानी है एक रिग्रेट की, रिकॉन्सिलिएशन की, कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आने वाले जनरेशंस के ऊपर बेसिकली अपना एक छाप छोड़ करके जाती है, उसके बारे में ये स्टोरी है. उसने बहुत सारे स्टोरीज को नैरेट किया गया है. तो बच्चों तैयार हो जाइए आप लोग 75 डेज के मास्टर कोर्स के लिए. ठीक है ना, 75 डेज के मास्टर कोर्स के लिए. ठीक है ना, जिसमें हम लोग आपको 200 प्लस पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशन, 250 प्लस लाइव क्लासेस, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और 5 मॉक टेस्ट जो हैं वो लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पे आपको प्रोवाइड करेंगे. ये कोर्स ऑलरेडी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है ना, और इसका कोर्स भी रखा गया है 1999, इसको आपको ध्यान रखना है. चलिए लेट्स प्रोसीड नाउ. द वाइस प्रेसिडेंट हैज लॉन्च्ड द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर. हाउ हैज Who has written this book? The Bringing Governments and People Closer. इस बुक को भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया है. इस पुस्तक के रचयिता कौन है, प्रमोद कुमार मिश्रा, अजय कुमार भल्ला, एम रामचंद्रन या फिर राजीव गौबा, ये पूछा गया है. Can you please answer this question? We are on the question number 17. तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर एम रामचंद्रन, बिल्कुल सही है. इसको लिखा गया है एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर डॉक्टर एम रामचंद्रन के द्वारा और ये इनकी 10th बुक है जो स्पेसिफिकली फोकस्ड है लार्जर गवर्नेंस इश्यूज पे. ये बुक बेसिकली लिखा गया है उन कॉमन मैन के प्रॉब्लम्स के ऊपर जो वो डे टू डे बेसिस पे फेस करते हैं व्हाइल विजिटिंग द गवर्नमेंट ऑफिसेज इन गेटिंग डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, क्लियरेंसेस एंड वेरियस वे टू डील विद द इश्यूज. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. अभी या तो अभी मैंने चेक नहीं किया बेटा, मेरे पास अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है. मैं जैसे ही सेशन से खत्म फ्री होऊंगा मैं चेक करूंगा कि क्या रिजल्ट आया है या नहीं, और अगर आया होगा तो उसे तुरंत सेशन करेंगे हम लोग. Who authored the dialogue book My Experiments with Silence? ठीक है ना? Who has authored the dialogue book My Experiments with Silence? इस पुस्तक को किसने लिखा है? Please go for the reply. Please go for the answer. Is it Kirti Nagpure, Samir Soni, Seema Sachdev Khan, या none of these? Dialogue book My Experiments with Silence. इसको किसने लिखा है? तो आप क्या बताओगे? समीर सोनी ने. इसको ध्यान रखना है. My Experiments with Silence has been authored by Samir Soni on anxiety and self-discovery. What is centric concern of the book Names of the Women by Jeet Thayil? Jeet Thayil की जो बुक है Names of the Women,
ये किस पर आधारित है, रोमांस पे, ट्रेजेडी पे, मिस्ट्री पे या फेमिनिज्म पे, ये पूछा गया है। व्हाट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द बुक नेम्स ऑफ द वुमेन बाय जीत थाइल। तो आप क्या बताओगे, फेमिनिज्म। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन और सिविलाइजेशन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन। इज इट रस्किन बॉन्ड, इज इट किरण देसाई, इज इट नमित अरोरा और इज इट विक्रम सेन। Author of the book Indians, A Brief History of a Civilization. तो आप क्या बताओगे, इट्स द नमित अरोरा। नमित अरोरा हैज एक्सप्लोर्ड हाउ इंडियंस लिव्ड, एट, लव्ड, बिल्ट, फॉट एंड मेड सेंस ऑफ द मटीरियल, रैशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड डाउन द एजेस। इस बुक में चैप्टर्स बनाए गए हैं प्लेसेस लाइक धोलावीरा, नागार्जुना कोंडा, नालंदा, खजुराहो, हम्पी, वाराणसी, और 5 चैप्टर्स लिखे गए हैं ट्रेवलर्स लाइक मेगास्थनीज, फैक्सियन, जुआंगजैंग एंड ईजिंग, एल्बरूनी, मार्कोपोलो एंड फ्रैंकोइस बर्नियर। तो नमित अरोरा ने इस बुक में जो भी हमारे इंडियन हिस्टोरिकल एंशिएंट सिविलाइजेशन की साइट रही है, जो हमारे पास जो फिलोसफर्स यानी कि दार्शनिक आए वेल फेम्ड, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा है, इंडियन सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन के बारे में, तो उसके ऊपर इन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की है प्रकाश डालने की। नमित अरोरा की पुस्तक क्या है, इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन। मुझे ये बुक पढ़नी है अभी, आई हैव नॉट गॉट द टाइम टू रीड दिस, बट आई विल बी गोइंग थ्रू दिस बुक, इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन। हु इज और आर द ऑथर ऑफ द बुक From incremental to exponential, ये जो बुक है From incremental to exponential, इसके author कौन है, विवेक वाधवा, इस्माइल अमला, एलेक्स सालकेवर या all of them? Please go for the answer, please go for the reply. Who is or are the author of the book From incremental to exponential? From incremental to exponential. Please go for the answer, please go for the reply. From incremental to exponential. तो इसके क्या है, सभी इन उपरोक्त सभी, ये ध्यान रखना है, उपरोक्त सभी, all of them, over and over. हमने ये देखा है कि जो big legacy businesses हैं उनको punch किया जाता है energetic little startups के द्वारा। तो कैसे छोटे शहर के बच्चे, कैसे छोटे कस्बों से आए लोग अपने टैलेंट के बेसिस पे उन्होंने रिप्लेस किया है बिग एप्लियंस पे रहने वाले लोगों को, उसके बारे में पूरी स्टोरी है। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम्स बुक ऑफ विनोद कापरी इज द अकाउंट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स जर्नी ऑन रोड ऑफ विच स्टेट। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, द लॉन्ग जर्नी होम बुक ऑफ विनोद कापरी is the account of migrant laborers journey on road of which state? ये किस राज्य की कहानी, राजस्थान, बिहार, यूपी और एमपी। The long journey home, book of Vinod Capri, is the account of migrant laborers journey on road of which state? तो आप क्या बताओगे, इट्स ऑफ द स्टोरी ऑफ बिहार। वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पाइसेस इज रिटन बाय नेहा सिन्हा, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय या झुंपा लाहिरी। वाइल्ड एंड विलफुल, वाइल्ड एंड विलफुल टेल कहते हैं स्टोरीज ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज इज रिटन बाय 15 इन आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज इज रिटन बाय होम। Is it written by Neha Sinha? Is it by Vikram Seth? Is it by Arundhati Roy? Or is it by Jhumpa Lahiri? तो आप बताओगे, नेहा सिन्हा ने लिखा है इसको।
ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, नेहा सिन्हा, जिन्होंने लिखा है बुक वाइल्ड एंड विलफुल। द बुक नेम प्लेस एनिमल थिंग्स इज रिटन थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गर्ल बॉय एलियन एंड ऑफ दीज। द बुक नेम प्लेस एनिमल थिंग्स, नेम प्लेस एनिमल थिंग्स इज रिटन थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है वो किसको रखा गया है, लड़कियों को, बॉय को, एलियन को, या नन ऑफ दीज, ये पूछा गया आपसे। द बुक नेम प्लेस एनिमल थिंग्स इज रिटन थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओगे थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गर्ल, ये ध्यान रखना है। हु इज और आर द ऑथर ऑफ द बुक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। बैटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको ध्यान रखना है। बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी बुक किसने लिखी है, लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने, ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार ने, दोनों ने मिलकर के, या नन ऑफ दीज, ये पूछा गया आपसे। हु इज और आर द ऑथर ऑफ द बुक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। प्लीज गो फॉर द रिस्पॉन्स, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, तो ध्यान रखना है लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार, इन दोनों ने मिलकर के, और ये बुक आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। तो गाइज, दीज आर आवर पेड कोर्सेज फॉर यू ऑन द ऑनलाइन बेंचर्स, Aspire CDS 1 2022. It's a bilingual course. Its offer price is 3499. We have another course, Aspire CDS OTA 1 2022. It's a bilingual course. For the OTA students, the offer price is 2999. We have a 75 days master course for FCAT 1 2022. And we have a bilingual batch for all of you, Expedition CAPF Assistant Commandant 2022. So guys, do join these batches quickly and get the maximum benefit of the entire content and the entire team. So guys, thank you so much for watching me live. Kal subah 8 baje aapse mulaqat hogi weekly current affairs session pe. Isme main Monday se Friday jo bhi classes maine karayi hain usse ko revise karaunga main kal subah 8 baje. Aur sath hi sath hum log discuss karenge 50 important questions on general studies. Uski timing main aapko confirm kar dunga. Uski notification aap logon ko de di jayegi. So guys, thank you so much for joining me live. Bye-bye, take care and have a great day ahead. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, everyone.